वेलकम टू डीके वी ट्यूटोरियल। डियर स्टूडेंट, टिल नाउ आई हैव टोल्ड यू अबाउट द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड देन सम वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन। नाउ इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ओके, तो प्लीज वॉच द वीडियो कंप्लीटली। ओके, तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। आपको थर्ड लॉ ऑफ मोशन को एक्सप्लेन करना है, तो सब लोगों को पता होना चाहिए। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पर हम अपनी तरफ से ऐड कर देते हैं। What is the another name of third law of motion? Third law का कोई एक दूसरा नाम बताओ। तो सब लोगों को पता है कि the third law में third law का statement याद आता है ना? For every action, there is equal and opposite reaction. एक simple सी line का statement है। हर reaction action के लिए एक reaction जरूर होगा, equal होगा, opposite होगा। या फिर हम एक तरीके से और write कर सकते हैं कि first object apply a force on second object, then second object also apply same force on the first object but in opposite direction. Okay, and another name of third law of motion is law of action and reaction. Jaise first law ka dusra naam kya tha, law of inertia, aise third law ka dusra naam hota hai law of action and reaction. To kabhi kabhi exam mein yahi puch liya jata hai ki define law of action and reaction. To aap likh sakte ho ki sir for every action there is equal and opposite reaction. To remember this law. Okay, next question hai, हाउ डू रॉकेट फ्लाई, रॉकेट कैसे फ्लाई होता है। तो सब लोगों को पता है कि रॉकेट वर्क ऑन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सबसे पहले ध्यान रखें कि रॉकेट किस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वर्क करता है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे काम करता है। कैसे काम करता है कि जो रॉकेट होता है सर, कुछ ऐसे होता है। देखो, हम रॉकेट भी आप लोगों के लिए बना के दिखा रहे हैं, है ना। एक अच्छा सा, बहुत ज्यादा अच्छा ना बने तो हंसना मत, है ना, और डर भी मत जाना। थोड़ा छोटा मोटा हो सकता है कहीं से, कुछ इस तरह से रॉकेट होता है। यहां पर नीचे की तरफ एक होल होता है, इसको बोला जाता है नोजल। क्या बोलते हैं हम, नोजल। इस नोजल में से बैकवर्ड डायरेक्शन में हॉट गैसेस आउट होती हैं, हॉट गैसेस इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, तो इन गैसेस का फोर्स किधर लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है। तो इसका मतलब एक्शन क्या है, एक्शन डाउनवर्ड है, तो रिएक्शन किधर होगा, अपवर्ड होगा भाई। यही तो कहता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, बट जो रिएक्शन की डायरेक्शन होती है वो एक्शन के अपोजिट होती है। अगर एक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है तो रिएक्शन किधर होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। हॉट गैसेज अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है तो उसका रिएक्शन अपवर्ड में होगा, एंड द रॉकेट फ्लाई इन अपवर्ड डायरेक्शन। एक अच्छा सा आंसर चाहिए लैंग्वेज वाला, तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन का आपको वीडियो बनाया गया है, उसमें देखिए हमने आपको बताया हुआ है एप्लीकेशन ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन। वहां पे लिखा भी हुआ है हाउ रॉकेट फ्लाई, कि रॉकेट कैसे फ्लाई होता है। और ध्यान रखना रॉकेट किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो रॉकेट वर्क ऑन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू वी स्विम, हम स्विम कैसे करते हैं। यहीं पर एक क्वेश्चन एक स्टूडेंट ने पूछा था, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है, कमेंट सेक्शन में पूछा गया था। मैं बता देता हूं जितने भी क्वेश्चन पूछा था, कि अगर हाउ डू वी स्विम या फिर हाउ डू वी वॉक, जब हम चलते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं चल रहा हूं राइट डायरेक्शन में, इधर की तरफ मुझे चलना है। चलो, मैं एक अपना हंसा हुआ मुस्कुराता हुआ चेहरा बना लिया है मैंने। अब मैं पैर कैसे बनाऊं, चलो फिलहाल ऐसे ही समझ लो, ऐसे बना लिया मैंने, ठीक है। मैं किधर जा रहा हूँ, राइट डायरेक्शन में जा रहा हूँ इधर, तो मुझे अर्थ पर कितना फोर्स लगाऊंगा। अर्थ पर जो फोर्स लगाने की डायरेक्शन होगी वो किधर होगी, बैकवर्ड होगी। जैसे मान लो ऐसे चल रहा हूँ तो मैं ऐसे चलाऊंगा तभी तो आगे जाऊंगा, राइट। मतलब मैं फोर्स लगाऊंगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो अर्थ मुझ पर फोर्स लगाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। आप क्या लिखोगे, व्हेन वी वॉक वी अप्लाई अ फोर्स ऑन द ग्राउंड इन बैकवर्ड डायरेक्शन बाय थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ग्राउंड ऑल्सो अप्लाई सेम फोर्स ऑन अस बट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। हाउ डू वी स्विम का भी आंसर यही रहता है कि व्हेन वी अप्लाई अ फोर्स ऑन द वाटर विद आवर हैंड इन बैकवर्ड डायरेक्शन, हैंड की हेल्प से हम वाटर को किधर फोर्स लगाते हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन में लगाते हैं, देन बाय थर्ड लॉ ऑफ मोशन वाटर ऑल्सो अप्लाई सेम फोर्स ऑन अस बट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। वाटर भी हम पर फोर्स लगाएगा लेकिन किधर की तरफ लगाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगाएगा। तो क्वेश्चन ये था स्टूडेंट का कि सर हमने अर्थ पर मान लीजिए 50 न्यूटन का फोर्स लगाया, ठीक है, हमने अर्थ पर बैकवर्ड डायरेक्शन में 50 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो अर्थ भी हम पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में
फिफ्टी न्यूटन का फोर्स हमने किधर लगाया है, तो अर्थ भी हम पर क्या लगाएगी, फिफ्टी न्यूटन का ही फोर्स लगाएगी, बट डायरेक्शन क्या रहेंगी, अपोजिट रहेंगी, राइट। डायरेक्शन क्या रहेंगी, अपोजिट रहेंगी। अब मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन ये था कि सर अगर आप इसका नेट फोर्स निकालोगे तो जीरो आएगा, भाई ये डायरेक्शन अपोजिट है तो नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, मतलब फोर्स कैसे होने चाहिए, बैलेंस होने चाहिए, और बैलेंस फोर्स की वजह से तो कोई ऑब्जेक्ट मूव करता ही नहीं है, तो फिर हम मूव मोशन में कैसे आ जाते हैं। माय डियर फ्रेंड, पहले एक बात क्लियर कर लो, देखो एक छोटा सा बॉक्स है और एक वॉल है, वॉल मतलब समझते हो दीवाल, ठीक है। देखो हम आपके लिए ये एक अच्छी सी दीवाल भी बना के दिखाते हैं, ठीक है। ये हमने आप लोगों के लिए एक वॉल बना दी, ये वॉल है और ये ऑब्जेक्ट है छोटा सा। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट पर 2 न्यूटन का फोर्स लगाऊं, ठीक है, कितने न्यूटन का, 2 न्यूटन का, तो डेफिनेटली ये ऑब्जेक्ट भी मुझ पर 2 न्यूटन का फोर्स लगाएगा। मान लिया ऑब्जेक्ट का जो मास है वो 1 किलोग्राम का है और मेरा जो मास है ना, नहीं हंसना चाहिए, देखो हंसते हुए दिखाना चाहिए, ज्यादा बढ़िया नहीं हंस रहा हूँ, ऐसे कर दिया मैंने, लेकिन कोई बात नहीं है, समझ लो मेरा जो मास है, मान लिया मैंने 60 kg है, ठीक है, बॉल का मास 1 kg है और मेरा मास कितना है, 60 kg है, तो मैंने बॉल पर कितना फोर्स लगाया, 2 न्यूटन का, मैंने इस ऑब्जेक्ट पर कितना फोर्स लगाया, 2 न्यूटन का, तो ये ऑब्जेक्ट भी मुझ पर 2 न्यूटन का फोर्स लगाएगा या नहीं लगाएगा, बिल्कुल लगाएगा सर, तो फिर क्या होगा, लेकिन ये ऑब्जेक्ट तो मूव हो जाता है लेकिन मैं मूव नहीं होऊंगा, ये तो क्वेश्चन है इधर, जब फोर्स इक्वल है तो एक ऑब्जेक्ट तो मूव हो जाता है, हम तो मूव हो जाते हैं, लेकिन अर्थ मूव क्यों नहीं हो रही है, हम अगर हम पे 20 न्यूटन का 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं हम अर्थ पर, तो अर्थ भी हम पे 50 न्यूटन का फोर्स लगाएगी, तो हम तो फॉरवर्ड में मूव हो जाते हैं लेकिन अर्थ क्यों नहीं मूव हो जाती जब फोर्स इक्वल है। बच्चों ध्यान रखो, फोर्स 2 चीजों पे डिपेंड करता है, एक तो मास पर और एक एक्सीलरेशन पर। अगर मास ज्यादा होगा, यहां पर इस बॉल पे भी मैंने क्या लगाया, 2 न्यूटन का फोर्स लगाया है, बॉल पर भी क्या लगाया है, 2 न्यूटन का फोर्स लगाया है, तो क्या ये बॉल मूव हो जाएगी, नहीं सर ये बॉल तो मूव नहीं होगी, मतलब क्या है कि मैंने, मेरे पास में 2 ऑब्जेक्ट है, मैंने दोनों ऑब्जेक्ट पर सेम फोर्स लगाया, इस ऑब्जेक्ट पर भी सेम फोर्स लगाया, इस ऑब्जेक्ट पर भी सेम फोर्स लगाया, लेकिन ये ऑब्जेक्ट तो मूव हो गया, ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं हुआ, तो क्यों नहीं हुआ, क्योंकि फोर्स डिपेंड ऑन मास, इसका मास कम है इसलिए ये ऑब्जेक्ट मूव हो जाएगा, इसका मास ज्यादा है इसलिए ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं होगा। दूसरी कंडीशन में मेरा मास देखो, मैंने लिखा हुआ है 60 kg, अगर कोई मुझ पर 2 न्यूटन का फोर्स लगाएगा जैसा कि यहां पर है, तो मेरे पे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना, चाहे मैं, जैसे मैं इस दीवार पे 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है, तो बॉल भी मुझ पर 2 न्यूटन का फोर्स लगाएगी, तो मेरा मास इतना है कि मुझ पर 2 न्यूटन के फोर्स का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि मेरा मास ज्यादा है, या फिर ऐसे समझ लो कि जो मास है वो एक्सेलरेशन पर कैसे डिपेंड कर रहा है, इनडायरेक्टली, अगर मास ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम होगा, मास कम होगा तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, तो मतलब कहने का ये है कि अगर कम मास ज्यादा मास का ऑब्जेक्ट है तो उसमें एक्सेलरेशन कम होगा, मेरा मास कितना है, ज्यादा है इन कंपेरिजन विद दिस ऑब्जेक्ट, तो मुझ में जो एक्सेलरेशन होने वाला है, मोशन होने वाला है, बहुत कम होने वाला है, लेकिन वॉल के सामने देखो, वॉल के सामने भी देखिए, अगर मैं इस पर इतना फोर्स लगाता हूँ कि बॉल तो मूव होने वाली है नहीं है भाई, इतना मैं सुपरमैन शाहरुख खान तो है नहीं, हो नहीं हूँ कि मैं एकदम बॉल में घुसा मारूंगा और बॉल पीछे सरक जाएगी, है ना, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं है भाई हमारे लिए, लेकिन अगर मैं इस पर बॉल पर जोर से फोर्स लगाऊंगा, तो देखो मैंने फोर्स लगाया किधर, इस अंदर की तरफ, तो मैं किधर की तरफ मूव हो रहा हूँ, मैं बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव रहा हूँ, अब मैं क्यों मूव होगा, क्योंकि मेरा मास बॉल की कंपेरिजन में कम है, यही रीजन यहाँ पर होता है कि सर जब हम अर्थ पर फोर्स लगाते हैं 50 न्यूटन का, तो अर्थ का मास हमारे कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, इसलिए उस पर 50 न्यूटन के फोर्स का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर हम पर 50 न्यूटन का फोर्स आ गया तो हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव हो जाएंगे। एक और क्वेश्चन समझ लो, जैसे एक कार आ रही है, कार बहुत फास्ट मूव कर रही है, राइट, अचानक से कार से एक मक्खी टकरा जाती है, क्या हो जाती है, मक्खी टकरा जाती है, तो सोचो आप कहोगे सर कार ने 1000 न्यूटन का फोर्स लगाया होगा मक्खी पर, कार बहुत फास्ट मूव करती है, लेकिन जो मक्खी होती है, मक्खी ने भी 1000 न्यूटन का फोर्स लगाया होगा कार पर, अब जरा सोचो बेचारी मक्खी की तो टिकट कट जाती है, मतलब मक्खी समझ गए होगे, मक्खी की जितनी हड्डियां होंगी सब टूट फट जाएंगी और मक्खी मर जाएगी, लेकिन कार के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, फोर्स दोनों सेम है,
जितना फोर्स कार ने मक्खी पर लगाया है उतना ही फोर्स मक्खी ने भी कार पर लगाया है, लेकिन बेचारी मक्खी तो मर जाती है लेकिन कार पर कुछ भी नहीं होता, कुछ फर्क भी नहीं पड़ता। अगर रीजन क्या है, क्यों? कार का मास ज्यादा है, द मास ऑफ द कार इज वेरी लार्ज इन कंपेरिजन विद हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई की कंपेरिजन में कार का मास बहुत ज्यादा होता है, तो 1000 न्यूटन का जो फोर्स है वो हाउस फ्लाई के लिए बहुत हो सकता है लेकिन कार के लिए कुछ भी नहीं हो सकता। जैसे हम दौड़ रहे हैं, मान लो मैं ही दौड़ रहा हूँ या आप दौड़ रहे हो, अचानक से आपसे कोई एक छोटा सा कीड़ा टकरा जाए, मच्छर मक्खी कुछ भी टकरा जाए, तो क्या होगा? वो तो गिर जाएगा टकरा के, उस पर तो फोर्स लगेगा, लेकिन क्या आपको पता चलेगा? आपको पता भी नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि आपका मास उसके कंपेरिजन में बहुत ज्यादा है, तो आप पर उसके फोर्स का, आप पर जितना फोर्स, जैसे आपने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया उस पर, तो 10 न्यूटन का फोर्स उसके लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा, वो बेचारा मर जाएगा, गिर भी सकता है, लेकिन आप पर पता भी नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि आपका मास बहुत ज्यादा है। तो ध्यान रखो कि जब भी हम अर्थ पर या किसी पर भी फोर्स लगा रहे हैं तो वो ऑब्जेक्ट मूव करता है, हम मूव नहीं करते, उसका रीजन होता है मास। अगर मास ज्यादा होगा तो सेम फोर्स डजंट प्रोड्यूस सेम एक्सीलरेशन। अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट पर हम सेम फोर्स लगा रहे हैं, जैसे मान लो एक बड़ी कार है और एक छोटी कार है, ऐसे समझ लो, एक बड़ी कार छोटी सी कार बना दी और एक हमने और एक बड़ी सी कार बना दी कुछ, इस पर भी 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, इस पर भी 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो मुझे बताओ क्या इन दोनों कार में सेम एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा या दोनों पर सेम इफेक्ट होगा क्या? तो आंसर है नहीं, फोर्स जरूर सेम लगाए हैं लेकिन इफेक्ट सेम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मास दोनों के अलग अलग हैं, जिसका मास ज्यादा होगा उस पर एक्सेलरेशन कम आएगा, जिसका मास कम होगा उसमें एक्सेलरेशन ज्यादा आएगा। तो ध्यान रखो थर्ड लॉ ऑफ मोशन के ऊपर ये सारे क्वेश्चन हमने आप लोगों को बताए हैं, इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करो कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, दूसरा रॉकेट कैसे फ्लाई करता है, और भी क्वेश्चन इसमें ऐड कर सकते हैं सर हम, हाउ डू वी स्विम, मैंने आपको बताया कि हम तैरते कहते हैं कि जब हम वाटर पर बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं तो वाटर हम पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, इसकी वजह से हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव हो जाते हैं। हाउ डू वी वॉक, हम चलते कहते हैं, तो इसका आंसर बताया कि जब अर्थ पर हम बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं तो अर्थ हम पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाती है, लेकिन अर्थ मूव नहीं होती, हम मूव क्यों हो जाते हैं? क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, हमारा मास बहुत कम है। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के कुछ क्वेश्चंस की, और इस चैप्टर को फाइनली फिनिश भी करेंगे।